का कोई प्रदेश हर जगह अवैध पिस्टल से लेकर राइफल तक अपराधियों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है, मगर कारतूस नहीं मिलते हैं। गन हाउस के मालिकों की मिलीभगत से सप्लायर मुंह मांगे दाम पर अपराधियों को ही नहीं, आतंकियों से लेकर नक्सलियों तक भारी मात्रा में कारतूस मुहैया करा रहे हैं। दिल्ली में 14 अगस्त को अवैध कारतूस के साथ हुई 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसी एक बार फिर सक्रिय हो गई है। इनमें से 3 लोग यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों ने कबूल किया है कि वे गन हाउस के मालिकों की मदद से कारतूसों की सप्लाई अपराधियों से लेकर आतंकियों तक करते हैं। इससे पहले यूपी के टूंडला रेलवे स्टेशन में भी अवैध कारतूसों के साथ यूपी का एक सप्लायर और एक गन मालिक 22 अप्रैल को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आनंद विहार इलाके से कारतूस के 6 सप्लायर को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 लोग यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 2000 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इन्हें उत्तराखंड के रॉयल गन हाउस के मालिक परिचित नेगी से खरीदा था। यह गिरोह दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और बिहार में अवैध कारतूस की सप्लाई करता था। आगरा मंडल के टूंडला रेलवे स्टेशन पर 22 अप्रैल को 700 कारतूस के साथ गन हाउस के मालिक प्रतीक सक्सेना और आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में प्रतीक ने कबूल किया, पिछले 10 माह में करीब 2.5 लाख कारतूसों की डीलर टू डीलर डील के जरिए कुख्यात अपराधी और नक्सलियों तक बेचा। इन लोगों ने यूपी, हरियाणा और बिहार में नक्सलियों से लेकर अपराधियों तक कारतूस मुहैया कराने की बात कबूल की है। इसके बाद यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, यूपी पुलिस और जांच एजेंसियां दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं। यूपी अवैध कारतूस सप्लाई करने वालों से लेकर उनको खरीदने वालों तक के बारे में जानकारी जुटाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल।